अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है टोयोटा करोला ऑल्टिस, बट ये चेंज हुआ है इसका इंजन 1.3, ऑल्टिस में 1.8 आता है। एक्सटीरियर की अगर हम बात करें तो फ्रंट ग्रिल, उसमें मोनोग्राम, पेशावर नंबर प्लेट, और ये जो बम्पर लगा है ये आफ्टर मार्केट लगा है। फॉग लाइट्स भी है इसमें। टायर की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं 15, 16 भी लग सकते हैं, 14 भी लग सकते हैं, इसमें 15 लगे हैं। पीछे अगर हम बात करें तो 1.8 VVTi करोला ऑल्टिस, पीछे भी क्रोम प्लेट। गाड़ी ज़्यादातर अपने हालात में है। और पीछे अगर हम बात करें तो ये फुली ऑटोमेटिक डोर्स, लॉक्स, गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं। पीछे एक कप होल्डर भी है, जगह जो कि ऑल्टिस में आती है। एशट्रे, पॉकेट सीट्स। बाकी अगर हम इंटीरियर को देखें तो ये एसी कंट्रोल्स, स्टेयरिंग्स और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसमें ऑल्टिस जो होता है ऑटोमेटिक भी होता है, मैनुअल भी होता है, ये मैनुअल है। साफ गाड़ी है। प्राइस जो इसकी डिमांडिंग है वो है 12.5 लाख, तो 12 लाख तक ये मेरे ख्याल में हो सकती है। यहाँ पर भी कंपार्टमेंट, यहाँ एक और कंपार्टमेंट, ये हैंड्रेक। 6 गियर्स होते हैं इसमें, 5 फ्रंट और 1 रिवर्स, एक एयर बैग यहाँ पर, और बस यही है मेरे ख्याल में। मिरर कंट्रोल्स के लिए ये ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इंजन हम इसका देख लेते हैं, बोनट खोलते हैं। ये क्या, ये भी एक कंपार्टमेंट है। इंजन की तरफ हम आते हैं। वन पॉइंट एट आता है ऑल्टिस में, लेकिन ये कन्वर्ट हुआ है 1300 cc। ये जो है ABS बैटरी, और ये बिल्कुल साफ़ गाड़ी है। ठीक है,